हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन होली यानी रंगों का त्योहार मनाया जाता है। इसीलिए इस साल 24 मार्च रविवार को होलिका दहन किया जाएगा और 25 मार्च सोमवार को रंग खेला जाएगा। लेकिन इस साल की होली बेहद खास है। होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष गणना के अनुसार होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग करीब 100 साल बाद बना है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ग्रहण में कैसे खेली जाएगी होली और ये ग्रहण किन राशियों के लिए शुभ फल देने वाला है। ज्योतिष के मुताबिक चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:24 से शुरू होगा जो दोपहर 3:02 तक रहेगा, यानी होली पर करीब 4.5 घंटे चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। आम तौर पर लोग रंग गुलाल सुबह से दोपहर के बीच ही खेलते हैं, इसलिए लोग ये सोचकर परेशान हैं कि ग्रहण काल के दौरान होली कैसे खेलेंगे। ज्योतिषविदों की माने तो इस चंद्र ग्रहण का होली पर कोई असर नहीं होगा। दरअसल ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप बेझिझक रंग खेल सकेंगे। भारत में चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर होली और रंगों का आनंद ले सकते हैं। अपने पारंपरिक तौर तरीके के साथ होली का त्योहार मना सकते हैं। होली पर लगने वाले चंद्र ग्रहण को इस साल यूरोप, उत्तर पूर्व एशिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान, रूस के कुछ हिस्सों, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, आयरलैंड आदि देशों में देखा जा सकेगा। इस वर्ष होली पर लगने वाले चंद्र ग्रहण का सभी राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा, लेकिन कुछ जातकों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। जैसे मिथुन, मकर, सिंह और धनु, इन जातकों पर चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव होगा। अन्य जातकों को इस चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव पाने के लिए श्री हरि विष्णु, महादेव और चंदेश्वर अर्थात चंद्र के बीज मंत्र का जाप करना होगा। इससे उन सभी जातकों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव शुभ होगा। वैसे भी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस रात में जप, तप, ध्यान और भजन करने से व्यक्ति के जीवन में सदैव मंगल होता है। चंद्र ग्रहण के बाद गरीबों में काले तिल, काले वस्त्र, साबुत उड़द, आटा, दाल, चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र और सतनाजा का दान देना अच्छा माना जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।